आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुलाब जामुन की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे डेली के 10,000 किलो गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। तो चलिए इनकी मेकिंग देखते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। ये देखिए 20,000 लीटर दूध के 2 टैंकर आ चुके हैं यहाँ पे, तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे से हम टेम्परेचर लेंगे टैंकर का, बाद में सैंपल लेंगे और सैंपल लैब में जाएगा। तो ये देखिए इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है। गुलाब जामुन के लिए मावा रेडी हो रहा है? हाँ, मावा रेडी हो रहा है। वो काओ मिल्क मावा है। ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मावा लगाया जा रहा है, मशीन से एकदम छोटे छोटे पीसों में निकाला जा रहा है। ये देखिए भाई मशीन का साइज देखिए, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मावा निकाला जा रहा है। शेप देख सकते हो, एकदम पतला पतला बारीक यहाँ पे मावा निकाला जा रहा है। तो बड़े बड़े पीस डाल के छोटे छोटे पीस निकाले जा रहे हैं। इसका घिसाई हो रहा है मावा का, इसमें दाना नहीं रहेगा इसलिए। अच्छा, कोई दाना नहीं रहेगा मावा? हाँ, हो जाएगा। ये गाय का पनीर है, गाय के दूध का, गाय के दूध का पनीर है। हाँ, जो मटेरियल है सब मिला के इसका मल्ली बना के वहाँ पे ले जाएंगे। तो देखो पनीर में यहाँ पे मावा मिलाया जा रहा है और यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन रेडी होने जा रहे हैं। ये देखिए भाई बच्चू भाई क्रेज के यहाँ पे स्पेशल गुलाब जामुन यहाँ पे रेडी होने जा रहे हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मावा और पनीर को मिलाया जा रहा है, ये देखिए। तो देखो कितनी बड़ी मशीन यहाँ पे मिक्सिंग चल रही है पनीर और मावा की, ये देखिए। तो कितना टाइम लगेगा उसको मिक्स करने में? 15 मिनट। तो 15 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने के लिए। ये देखिए भाई, ये हमारा एक बैच तैयार हो रहा है। तो कितने किलो का रहता है ये? ये 20 किलो मावा है, 10 किलो पनीर है। यहाँ पे कटिंग हो रहा है पीस, 7 ग्राम का गोली है। 7 ग्राम का गोली रहता है? हाँ जी। तो जो पनीर और मावा हमने मिक्स किया था यहाँ पे आ चुका है और अब इसके गुलाब जामुन बनने जा रहे हैं। तो ये देखिए भाई, वो देखो तो यहाँ पे बढ़िया से कटिंग चली हुई है और आगे देखो तो यहाँ पे बढ़िया से पेड़े बन रहे हैं। कितने ग्राम के पेड़े रहते हैं ये? 7 ग्राम। 7 ग्राम के, तो ये 7 ग्राम के पेड़े बन के आ रहे हैं और आगे मशीन जाके राउंड शेप ले रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए भाई, ये आगे यहाँ पे पेड़े बन के, तो ये देखिए ये हमारे गुलाब जामुन बन के यहाँ पे आ चुके हैं और कितनी सारी ट्रे में खा सकते हैं। ये देखिए, ये आगे गुलाब जामुन यहाँ पे ले जाएंगे अब गर्मा गर्म कढ़ाई में। ये देखिए भाई, ये जा रहे हैं और भी यहाँ पे तो कितने सारे गुलाब जामुन यहाँ पे एक साथ बनाए जा रहे हैं, एकदम कढ़ाई भर के गुलाब जामुन बन रहे हैं। तो कितने पीस है? 400 पीस है ये? नहीं, 800 पीस के लगभग। 800 पीस। तो देखिए ये जा रहे हैं यहाँ पे 800 पीस गुलाब जामुन और कढ़ाई में इन्होंने 800 पीस डाल दिए। तो अब इसका कलर देखते हैं, थोड़ी देर में कलर गोल्डन से थोड़ा ब्राउन में आ जाएगा। तो गुलाब जामुन तो आप लोगों ने बहुत ही खाए होंगे, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गुलाब जामुन की मेकिंग। तो देखते हो कितना बढ़िया प्रोसेस है इनको बनाने का। तो कितना टाइम लगता है इसको पकने में? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। और उसके बाद चाशनी में डाला जाता है? उसके बाद चाशनी में डाला जाएगा, चाशनी फिर मोटा चाशनी में डाला जाएगा। वो है 45% या 60%। अच्छा, वो 45% चाशनी है, ये 60%। हाँ जी। तो ये देखिए, ये आ गए गुलाब जामुन और ये देखिए ये डाले चाशनी में। तो पहले पतली वाली चाशनी में डालते हैं ये? हाँ जी, पहले पतली वाली में डलेंगे, उसके बाद थोड़ा मोटा चाशनी में डलते हैं। ये देखिए भाई, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन लगाए जा रहे हैं। इतना बढ़िया नज़ारा है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे गुलाब जामुन लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, तो मैं आपको लेकर आया हूँ गुलाब जामुन की मेगा फैक्ट्री में। तो कितने मिनट रखेंगे इसको चाशनी में? इसको रखे हैं 10-15 मिनट, इसको इसमें रखे हैं, फिर इसमें डाल के रख देंगे। उसमें डाल के पैक हो जाएगा, पैक हो जाएगा, फिर तुरंत ही पैक होता रहता है साथ ही साथ। गर्मा गर्म गुलाब जामुन यहाँ पे आ चुके हैं और इसको अच्छे से चाशनी में मिक्स किया जा रहा है और इसके बाद डाला जाएगा इसको मोटी वाली चाशनी में। तो एक दिन में कितना गुलाब जामुन रेडी हो जाता है यहाँ पे? एक दिन में ऐसे 2 भट्टी चलाएंगे तो 2,500-3,000 डिब्बा हो जाता है। 2,500-3,000 हो जाता है। तो देखो ये आगे गुलाब जामुन के डिब्बे और यहाँ पे चल रही है गुलाब जामुन की पैकिंग। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे गुलाब जामुन आ गए हैं और ये देखिए भाई हमारे डब्बे यहाँ पे पैकिंग चल रही है, फटाफट पैकिंग चल रही है। ये देखिए भाई कितने सारे कंटेनर एक साथ पैक किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बच्चू भाई क्रे फैक्ट्री और देखो तो यहाँ पे कितने सारी क्वांटिटी में यहाँ पे गुलाब जामुन लगाए जा रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा कि इतने ज़्यादा गुलाब जामुन पैक हो रहे हैं। ये देखिए भाई, और ये देखिए भाई आप आ गए गुलाब जामुन इसके अंदर। तो फाइनली देखो तो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन के डब्बे पैक हो चुके हैं और गर्मा गर्म गुलाब जामुन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे चलिए पैकिंग, ये तो फटाफट काम चल रहा है। ये देखिए फटाफट पैक हो रहा है।